जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मातृक तथा विमा के बारे में। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी विमा याद नहीं करनी पड़ेगी, न ही कोई इकाई रटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भौतिक विज्ञान के अंदर अनंत भौतिक राशियां हैं। उन सभी भौतिक राशियों की विमा भी अलग होती है और उनका मात्रक भी अलग होता है, तो अपने को रटने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखेंगे और आप सारी की सारी विमाएँ, सारी की सारी इकाई ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बताती है कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपने देश के अंदर दोस्तों FPS चलता था। क्या चलता था? FPS। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। FPS का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड यूनिट। फुट पाउंड सेकेंड यूनिट इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले यही चला करता था। जैसे कोई दूरी मापनी होती थी तो चलकर मापते थे कि ये इतने पैर जमीन है, तो उसको अपन कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड यूनिट। उसके बाद दोस्तों चलता था CGS। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। फिर सेंटीमीटर चलना स्टार्ट हुआ, सेंटीमीटर के अंदर नापते थे। आज भी अगर कागज़ के ऊपर अपने को कोई रेखा की लंबाई ज्ञात करनी होती है तो अपन सेंटीमीटर के अंदर ही ज्ञात करते हैं, स्केल के द्वारा जो ज्ञात करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको सुधार कर MKS बनाया गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट। ये इसका फुल फॉर्म है। MKS का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सी बार क्वेश्चन आता है MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड इकाई। दोस्तों ये होता क्या है? ये सब अलग अलग पद्धतियां हैं जो मापने की इकाइयां होती है, जो अलग अलग होती है, हर जगह पे अलग अलग चलती थी। जैसे कि कोई अपन जैसे यहाँ से 1 किलो शक्कर तोल के और अमेरिका के अंदर गए तो उस 1 किलो शक्कर का वहाँ वेट कम होता था। जो 1 किलो मटेरियल लेके गए हैं वो वहाँ 1 किलो नहीं होता था, वो कुछ कम होता था या ज़्यादा भी हो सकता था। भारत के ही सारे के सारे राज्यों के अंदर, सारे के सारे प्रांतों में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो वेट है वो अलग अलग होता था। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस MKS का सुधरा हुआ रूप पेश किया SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि MKS मात्रक पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। और ये पूरे के पूरे विश्व में जो 1 किलो यहाँ होता है वो का वो 1 किलो अमेरिका में भी होता है और वो सारे के देशों में होता है। जितना 1 किलो यहाँ है उतना ही हर जगह पे होगा, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अंदर दोस्तों मात्रक या इकाई दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मूल मात्रक दोस्तों SI पद्धति के अंदर 7 होते हैं। मूल मात्रक जिसको डायरेक्ट ज्ञात किया जाता है, नहीं इसके लिए कोई सूत्र अप्लाई होता है ना कुछ नहीं, डायरेक्ट इन 7 को याद रख लो। तो व्युत्पन्न मतलब किसी फॉर्मूले की सहायता से अगर कोई मात्रक ज्ञात किया जाए, या फिर यूं कहें कि मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक ज्ञात किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये अगर 7 याद हैं तो सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज अपन इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, 7 मूल SI मात्रक। ये ही आपको याद रखने हैं, फिर सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनाते हैं, उसकी इकाई कैसे बनाते हैं और उसकी विमा कैसे बनाते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा है, पहाड़ चढ़ते हैं तो ये सीखने को मिलता है, पहाड़ चढ़ते हैं तो ये सीखने को मिलता है कि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है। तो पढ़ने के लिए एक बार आपको शुरुआत तो करनी ही होगी। जो लोग शुरुआत नहीं करते हैं वो अपनी सफलता के शिखर तक कभी नहीं पहुंचते हैं। तो आज इसीलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये 7 जो मूल मात्रक हैं मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। लंबाई, ध्यान दीजिएगा, जहां लंबाई आ रहा है इसका मतलब लंबाई और दूरी, लंबाई दूरी एक ही चीज है, और विस्थापन भी आ जाए तब भी ये एक ही बात है। विस्थापन, इतनी सारी चीजों का एक ही बात है, चाहे लंबाई के दें, चाहे दूरी के दें, चाहे विस्थापन के दें, ये सब एक ही है। और इसकी मात्रक होता है दोस्तों लंबाई का मीटर। क्या होता है दोस्तों?
मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर है। ये आपको एकदम इस तरीके से याद रखना है कि आपको नींद में भी कोई पूछ ले कि लंबाई का मात्रक क्या है या दूरी का मात्रक क्या है, दूरी की एसआई इकाई क्या है, तो आपको तुरंत निकलना चाहिए कि मीटर होता है। तो इसकी दूरी का जो इकाई है वो मीटर है। उसके बाद आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई है दोस्तों किलोग्राम केजी। इसी तरीके से समय, समय की इकाई क्या है दोस्तों सेकेंड। इसी तरीके से जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों एम्पियर, क्या होती है एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है। इसी तरीके से दोस्तों अपन देखते हैं ताप, ताप की दोस्तों होती है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की होती है केल्विन, ध्यान रखना है क्योंकि अपना प्रचलित जो पैमाना है वो सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड दोस्तों एसआई पैमाना नहीं है। अगर कहें ताप का एसआई पैमाना क्या है या ताप की एसआई इकाई क्या है तो केल्विन होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है दोस्तों मोल, क्या होती है मोल। इसी तरीके से ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की होती है दोस्तों कैंडेला, सीडी कैंडेला होती है, क्या होती है कैंडेला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये दोस्तों अगर 7 आपको एसआई यूनिट्स पता है, 7 दोस्तों मूल इकाइयां ये पता है, तो आप दुनिया की सारी इकाइयां ज्ञात कर पाएंगे। इकाइयां तो ज्ञात कर पाएंगे ही, साथ ही आप विमा भी ज्ञात कर पाएंगे। विमा किसी की भी लिखनी हो तो दोस्तों मैं यहां बता रहा हूं कि अगर जहां कहीं पे भी लंबाई दूरी विस्थापन आ जाए तो कैपिटल एल लिखना है, द्रव्यमान आ जाए तो कैपिटल एम लिखना है, समय आ जाए तो कैपिटल टी लिखना है। बस सारी की सारी जो रामायण है वो यहाँ इसी से होगी। अगर आपको ये याद है तो आपको 100% गारंटी है कि सारी की सारी इकाइयाँ और सारी की सारी विमा ज्ञात करना आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 100% दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स आता है। कोई सा बड़ा एग्जाम हो, जैसे अगर कोई लेब असिस्टेंट का पेपर हो तब भी एक क्वेश्चन 100% इकाई और विमा का आता ही आता है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर ये क्लियर करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने को, क्षेत्रफल यहां पे मैं लिख रहा हूं भौतिक राशि, राशि का नाम लिखूंगा, यहां इसका सूत्र लिखूंगा और दोस्तों यहां पे मैं इसका इकाई लिखूंगा, इसको मिटा देता हूं। यहां पे इसका मैं लिखूंगा इकाई और यहां लिखूंगा मैं इसकी विमा। अब अपने को ये कंफर्म हो चुका है कि विमा लिखने के लिए जहां लंबाई दूरी विस्थापन आएगा वहां एल लिखूंगा, द्रव्यमान आ जाएगा तो कैपिटल एम लिखूंगा और समय लिखा आएगा तो वहां पे कैपिटल टी लिखूंगा, बाकी इकाइयां ये लिखूंगा। यहां तक क्लियर? ओके। अब यहां पर जैसे मैं भौतिक राशि ले रहा हूं, पहले कोई सा भी ले सकते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं इसकी इकाइयां और विमा निकालना शुरू कर रहा हूं। आपको ये प्रोसेस सीखना है किस तरीके से निकाली जाती है। याद तो आपको सिर्फ ये करना है, ये एकदम जिस तरीके से आपको गिनती याद है, सपने में भी से आपको पूछा जाए कि भैया गिनती बोलिए, आप तुरंत बोल जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपको कहे कि ABCD बोलिए, आप तुरंत बोल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको इकाई और विमा ज्ञात करना है तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए जैसे क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई की इकाई क्या है, यहां से देखिए मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई है, तो मीटर इंटू मीटर बराबर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्षेत्रफल की इकाई क्या हो गई है, मीटर स्क्वायर। अभी एक बार और देखते हैं, जैसे आयतन, आयतन के लिए जनरल फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो मीटर इंटू चौड़ाई का भी मीटर इंटू ऊंचाई का भी मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन की इकाई क्या हो गई है दोस्तों मीटर क्यूब। एक और एग्जांपल आगे लेते हैं,
जैसे एक है घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो अभी द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम, केजी अपॉन आयतन की, अभी निकाली अपन ने आयतन की ये क्या है मीटर क्यूब, तो यही अपना आंसर है। घनत्व की इकाई क्या होगी दोस्तों, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये इसकी इकाई हो गई, है ना सरल। एक और दो और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता, चाल अपने को फॉर्मूला सभी को पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे वा समय, दूरी बटे वा समय। ध्यान रखना चाल और वेग का फॉर्मूला सिमिलर है, चाल बराबर दूरी बटे वा समय। तो दूरी की विमा क्या है, यहाँ पहले से लिखा है मीटर है, मीटर अपॉन समय का सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों, चाल की है या वेग की है। इसी तरीके से और कोई दूसरे से त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है वेग अपॉन समय। तो अब यहां आपको ध्यान रखना है वेग की इकाई क्या है, मीटर अपॉन सेकंड अपॉन समय की सेकंड। अब यहां पे आपको आगे सोल्व करना चाहिए, आगे अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो वन मानेंगे, ऊपर ऐसे करेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू वन अपॉन सेकंड, और ये सोल्व कर देंगे तो अपने पास क्या होगा, मीटर को वन से मल्टीप्लाई किया तो मीटर, सेकंड को सेकंड से किया तो सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप कोई भी इकाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में अगर कोई सा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मैं तो क्वेश्चन ज्ञात करूँ बल की, बल, बल बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, वहां से देख के केजी, इंटू त्वरण की क्या होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए दोस्तों इस पूरे को ही अपन जानते हैं न्यूटन के नाम से, किस नाम से, न्यूटन। बल्कि कई अपन क्या जानते हैं न्यूटन, अगर न्यूटन ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब ऑप्शन ये दे रखा होगा, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, न्यूटन भी करेक्ट है। अगर अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, साथ में अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान रखना है लंबाई दूरी विस्थापन जहाँ जाए वहाँ विमा के लिए L लिखेंगे, द्रव्यमान आ जाएगा तो M लिखेंगे, समय आ जाएगा तो कैपिटल T लिखेंगे, M L T के अंदर ही विमा को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ अभी बताता हूँ मैं, इन सभी की ही विमा निकाल के बताता हूँ आपको, और फिर इकाई की भी एक दो प्रैक्टिस और करेंगे। जैसे अपने को यहाँ अब तो कुछ ऐसी थी जो आगे निकाल रखी थी फिर वापस यहाँ आ रही थी, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, इतनी सारी तो पहले से ही लिखेंगे नहीं, जो दे रखा होगा उसी का निकालेंगे, तो बिल्कुल उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये इकाई की बात है इधर, और ये कि ये टेक्निक विमा के अंदर चलना है, क्षेत्रफल की विमा लिखनी है तो सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को क्या लिखेंगे L1 इंटू चौड़ाई को भी L1, तो इसकी विमा क्या है दोस्तों L2। इसी तरीके से इसका L1 इंटू L1 इंटू L1, दोस्तों अपने को अच्छे तरीके से पता है आधार समान हो गुणे के अंदर तो उसकी गातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों L3। इसी तरीके से अगर यहां बात करें घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान को क्या लिखेंगे कैपिटल M1 अपॉन आयतन, आयतन का क्या है दोस्तों L3, ये आयतन का पहले से ही विमा लिख रखा था L3 अपॉन में L3। अब ये अपॉन वाला L3 अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, अपॉन में किसी की भी घात है उसको अगर ऊपर ला रहे हैं मेरे दोस्तों तो वो प्लस है तो माइनस हो जाती है और माइनस हो तो प्लस हो जाती है, तो ये आ जाएगा M1 का 1, L3 ऊपर आएगा तो L-3 हो जाएगा, ये इसकी विमा हो गई। आगे और देखते हैं, जैसे चाल या वेग का, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटेवा समय, दूरी का क्या लिखेंगे L1 बटेवा, समय का क्या लिखेंगे T1, इसको ऊपर लाएंगे तो L1 T-1, ये इसका आंसर, ये इसकी विमा हो गई है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें त्वरण की, त्वरण बराबर वेग अपन समय, वेग की क्या है, वेग की है L1 T-1 अपॉन समय की क्या है T1, इसको फिर ऊपर लाएंगे तो L1
टी माइनस वन ऐसा कैसा, ये ऊपर आएगा तो इनटू में आएगा तो टी माइनस वन, प्लस का वन था ऊपर लाया तो माइनस वन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आधार समान होने पर गाते जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा एल वन टी माइनस टू। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के अंदर लिखिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए यस सर समझ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए दोस्तों। और इसी तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा भी निकाल सकते हैं और इकाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी दो तीन अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं और दूंगा, जैसे अब बल की ज्ञात करनी है, बल की द्रव्यमान को क्या लिखेंगे एम वन, द्रव्यमान को एम वन, त्वरण, त्वरण की ये निकाल रखी है इंटू एल वन टी माइनस टू, तो क्या हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, ये हो गया। अब ये आपको समझ में आ चुका है प्रोसेस, अब मैं ये सारा मिटा देता हूँ और फिर आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये सारी की सारी विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं, सारी की सारी इकाइयाँ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रोसेस फॉलो किस तरीके से करना है ये मैं पूरा मिटा देता हूँ। अभी अपने पास बोर्ड खाली है और अब अपन निकालने जा रहे हैं जैसे कार्य की विमा और इकाई दोनों। कार्य बराबर होता है दोस्तों बल इंटू विस्थापन, ये एक छोटी सी है, इसकी अपने को इकाई भी ज्ञात करनी है और विमा भी ज्ञात करना है। तो इकाई की बात करते हैं, यहां पे इकाई ध्यान रखिएगा, इकाई या मात्रक एक ही चीज है। बल की इकाई क्या होती है ध्यान रखिए, बल की इकाई अगर अपने को नहीं पता तो अब साइड में लिखिए, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, इंटू त्वरण, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। हालांकि बल की आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, ये एक ऐसी राशि है जो आपको याद रखनी चाहिए, इसका होता है डायरेक्ट न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। अगर अपने को याद नहीं आ रहा है तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी इंटू त्वरण का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर त्वरण का आपको नहीं आता है, नहीं आता है तो त्वरण बराबर क्या होता है वेग अपॉन समय, क्या होता है वेग अपॉन समय। अब समय की तो आपको पता है सेकंड होता है, किस तरीके से ये होता है सेकंड, ठीक है। वेग की नहीं पता तो वेग का सूत्र लिख लीजिए, वेग या चाल, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे वह समय, दूरी की क्या होती है मीटर, समय की सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, तो यहां लिख दीजिए मीटर अपॉन सेकंड, दोनों को गुणा करेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं न्यूटन। तो इसकी इकाई तो दोस्तों हो जाएगी डायरेक्ट न्यूटन। ये मैंने निकाल के बताया है आपको कि किस तरीके से ये निकालते हैं। इसी तरीके से अगर आपको विमा बनानी है, ये विमा की बात कर लेते हैं विमा। अब आपको बल, बल की विमा डायरेक्ट नहीं पता, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता क्योंकि याद रखना भी नहीं चाहिए, आपको ऐसे याद करना आना चाहिए। यहाँ पे ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ बल की विमा के लिए F बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान की कितनी होती है m1 वन इंटू त्वरण की पता नहीं है, त्वरण की नहीं पता है, त्वरण का तुरंत फॉर्मूला लिखिए वेग अपॉन समय, तो त्वरण बराबर वेग अपॉन समय, वेग की नहीं पता समय को टी वन लिखिए, इसको खाली छोड़ दीजिए, वेग की अपने को लिखनी है, वेग का फॉर्मूला लिखिए वेग बराबर, वेग या चाल बराबर दूरी बटे हुआ समय होता है, फॉर्मूला लिख रखा है अपने सामने, तो यहाँ पे दूरी बटे हुआ समय, दूरी को क्या लिखेंगे L1 अपॉन समय को T1 ऊपर लगेंगे L1 T-1, वेग की जगह पे ये वेग बटे हुआ समय, समय को तो लिख रखा T1, वेग की जगह पे ये वेग की विमा लिखिए यहाँ पे L1 T-1, ऊपर लाएंगे तो क्या होगा L1 t-1 इंटू t-1, तो क्या बन जाएगा L1 t-2, त्वरण की आ गई है। अब त्वरण की आ चुकी है तो त्वरण बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का m1 लिख रखा है, त्वरण की जगह पर त्वरण की लिख लीजिए L1 t-2, तो अपने पास आंसर क्या आ गया है m1 L1 t-2, त्वरण की जगह पे त्वरण बल की, अब ये बल की आ चुकी है अपने पास, ये बल की, तो बल की जगह पे बल का लिखिए m1 L1 टी माइनस टू, टी माइनस टू इंटू विस्थापन का, विस्थापन लंबाई दूरी एक ही चीज़ है, तो ये आप क्या आ जाएगा L1, आधार समान होने पर गाते जुड़ेगी तो M1 का तो M1, L1 और L1 कितना हो जाएगा L2 और टी माइनस टू,
ये हो गई इसकी विमा। इकाई की बात करें तो बल की इकाई अभी अपन ने पता लगाया कि न्यूटन होती है, ये न्यूटन लिख दिया। इनटू विस्थापन की क्या होती है? मीटर। और इसी को एक साथ कहा जाता है जूल। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? जूल। कार्य की इकाई या मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि आप किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये सारा का सारा रफ काम है इसको नहीं, अगर अपने को डेढ़ नंबर या दो नंबर मिल रहा है, दो सेकंड नहीं लगते, दो मिनट नहीं लगते हैं इसको पूरा का पूरा ये कैलकुलेट करने के अंदर। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अब जैसे कोई भी है दाब की, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब अगर अपने को दाब की इकाई ज्ञात करनी है तो अपने को बल की आनी चाहिए इकाई। बल की याद रखिए दोस्तों, इकाई न्यूटन होती है, याद रखिए, ज्यादातर ये याद रखने वाली बात है। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है दोस्तों न्यूटन, न्यूटन का न्यूटन। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई सा भी नॉर्मल जैसे ही आएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी मीटर इंटू मीटर बराबर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई हो गई। और कभी कभी इसका दूसरा ऑप्शन भी दिया होता है दोस्तों, अगर ये यहां लिख देते हैं आप करेक्ट आंसर, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल चुके हैं, लेकिन इसको भी एक कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं दोस्तों? दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। पास्कल नहीं लिख के न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख दें, गलत नहीं है, दैट्स 100% करेक्ट। ओके, अब इसकी विमा की बात करते हैं। विमा की तो बल, बल की बात आ रही है पहले, सबसे पहले तो एफ इजिकल, बल इजिकल टू क्या होता है? बल इजिकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान की इकाई की विमा क्या होगी? एम वन। त्वरण की नहीं आती है तो त्वरण बराबर होता है वेग अपॉन समय। ठीक पहले जैसे ज्ञात किया था वैसे ज्ञात करिए, लिखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इस तरीके से ये अपना विमा और इकाई वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।